हेलो हाय आदाब सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज एक रीडिंग करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आपके लिए क्या चलता है उनके दिल दिमाग में, आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए। ओके, तो टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया है। हाँ, मैं कुछ आप लोगों के लिए गाइडेंस भी निकाल दूँगी पूरे रीडिंग के बाद। तो होप आपको टॉपिक समझ आ गया है। ये सिर्फ उन्हीं व्यूअर्स के लिए है जिसको पता है कि थर्ड पार्टी उनके ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में मौजूद है। अगर आप लोगों को शक है या आपको ऐसा लगता है या फिर ऐसे ही आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो देन प्लीज़ डोंट मैनिफेस्ट थर्ड पार्टी। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। आप लोग देख ही पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने दो डेक यूज़ किया है, तो मैं इस वाले डेक से आप लोगों के लिए एनर्जी पिक करूंगी और इस डेक से आपके थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी पिक करूंगी, और जो एनर्जी होगी वो होगी आपके पर्सन की। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उनका नाम मिनिमम 3 टाइम्स अपने मन में ले लीजिए। चलिए, डिवाइन एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या थॉट्स है मेरे व्यूअर्स को लेकर के। बहुत सारे कार्ड अनफोल्ड हुआ है, मैं नहीं लूंगी, एक एक करके कार्ड दे प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन, प्लीज एंजल्स एक एक करके कार्ड दे। कैन यू सी द फ्लेम, कैंडल की फ्लेम देखिए आप लोगों के लिए एनर्जी। ये बहुत इमोशनल हो रहा है आपके लिए, बहुत बेताब हो रहा है मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग बस इस रूम में ना एसी चल रही है ना फैन चल रही है, बस कैंडल की फ्लेम आई होप आप लोगों को नजर आ रहा है। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड करें। तो फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स, सेकेंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कपल की एनर्जी। आप लोगों में से बहुत कोई हो सकता है कि सच में मैरिड कपल्स हो, या फिर अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो ये आपको अपनी स्पाउस के जैसा ही मानते हैं। 10 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, लवर्स एंड हैरोफेंट। बहुत प्यारी एनर्जी है आप लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वांड्स एंड दो कार्ड्स लूंगी बॉटम से, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं साइन बता देती हूँ आपके पर्सन की। आपके पर्सन हो सकते हैं वाटर साइन, हो सकते हैं अर्थ साइन, हो सकते हैं फायर साइन। यहाँ पे मुझे एयर साइन नहीं दिख रहा है, बट इट्स अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग, तो सारे साइन सारी राशियां की एनर्जी पिक हो जाती है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो सारी राशियां इसी में आ जाती है। यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एनीवे, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन। यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है, एक हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी अपने पर्सन के साथ मैरिड है, बट किसी रीज़न की वजह से, थर्ड पार्टी के रीज़न की वजह से आप लोग सेपरेटेड है, या आप लोगों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो उस सिचुएशन में भी आपके पर्सन आपके साथ जो भी कन्फ्लिक्ट है वो सब कुछ, फाइट वगैरह, जो भी आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी कुछ उन्होंने मिस क्रिएट किया है, उससे हट करके एक हैप्पी फैमिली मोमेंट आपके साथ गुजारना चाहते हैं। एक सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी है कि वो आपके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो वापस आना चाहते हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है मैरिड कपल्स के लिए, आप लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं, किड्स हो सकते हैं, तो सबके साथ वो मिलजुल के रहना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली मेम्बर्स दैट इज़ योर इन लॉज, अगर ऐसा भी कुछ है तो उस सिचुएशन में भी ये आपके साथ एक मैरिड लाइफ, पूरी तरह से खुशनुमा मैरिड लाइफ जो होता है वो गुजारने की एक ड्रीम देख रहे हैं, या उसके लिए कोई एक्शन ले रहे हैं। आ
की तरफ ये पर्सन अभी इक्वल गिव एंड टेक करेंगे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना या अपनी गलतियों को सुधारना भी चाहते हैं। ये हो गया एक सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन ये है कि आप लोग मैरिड नहीं हैं, लवर्स हैं, और उस सिचुएशन में हो सकता है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, जो भी रीज़न था, लेकिन अभी वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ पूरा संसार पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इस रिश्ते में इन्होंने उतना कुछ नहीं दिया जितना आपने इनको दिया। आप उनके लाइफ में बहुत बड़े गिवर रह चुके हो, आपके लिए आपके लिए उनके दिल में जो है ना वैल्यू बढ़ रही है, या फिर वो सब चीज़ वो रियलाइज़ भी कर रहे हैं जो कुछ आपने उनके लिए किया। आप इनको फिनेंशियली भी हेल्प किए हो, मेंटल सपोर्ट भी दिए हो, आप हमेशा उनके बुरे वक्त पे उनके साथ रहे हैं, एंड इनको ये भी लग रहा है कि ये जब तक आपके साथ है, आपके साथ थे, उनकी लाइफ में अबंडेंस थी, जो शायद उनके जो भी आप लोग में सेपरेशन आया तो उस सिचुएशन में थोड़ी वो अबंडेंस मुझे चली गई, फिनेंशियल प्रॉब्लम में ये पर्सन आ गए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप उनके लिए एक गुड लक चार्म टाइप के हो, और आप दोनों ही, हो सकता है आप लोग मैरिड नहीं हैं, लवर्स हैं, लेकिन आप ये दोनों ही एक दूसरे को एज अ स्पाउस ही मानते हैं। आप दोनों में प्यार बहुत है, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत केयर करते हैं ये पर्सन, लेकिन आपको प्यार बहुत करते हैं। ज़रूर आपके तरफ से मुंह मोड़ के ये पर्सन थर्ड पार्टी पे गए थे, तो अभी क्या हो रहा है, ये पर्सन ये सब चीज़ चाहते हैं, ओके, लेकिन उनको कुछ ऐसा भी है। अच्छा, यहाँ पे मुझे कुछ और भी सिचुएशन दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, एंड आप दोनों ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक मैरिड है, दूसरा अनमैरिड है। तो उस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन है, ये पर्सन अभी बर्डन सा फील कर रहे हैं, जो भी लाइफ वो लीड कर रहे हैं एट प्रेजेंट, आपसे दूर होकर के जो भी लाइफ वो लीड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उस लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी है, बट आपको इतना मिस करते हैं, आपके साथ के बिताए हुए मोमेंट्स को इतना मिस करते हैं कि उनको ये लाइफ पूरी तरह से बर्डन जैसा लगता है। उनको खुद पे रिग्रेट भी होता है कि ये आपके जैसे, आपके इस सुंदर, इस स्टेबल रिलेशन को छोड़ करके ज़्यादा अपने ऑप्शंस को क्यों एक्सप्लोर किए। लेकिन ये सब जो भी है, ये पर्सन अभी क्या चाहते हैं, अभी चाहते हैं कि इन सब से हट करके वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करे। मैंने बोला ना कि आपके लिए उनके लाइफ में एक वैल्यू बढ़ रही है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है उनके लाइफ में, आप लोगों में एक न्यू बिगनिंग होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। विद इन वन मंथ मुझे ऐसा मैक्सिमम, मुझे जो लग रहा है आप दोनों की एनर्जी से, मैक्सिमम हो सकता है इस महीने बहुत रियूनियन हो सकते हैं, और मैक्सिमम नेक्स्ट ईयर जनवरी मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का एक रियूनियन होगा। थोड़ा टाइम ये पर्सन लगाएंगे क्योंकि नेगेटिविटी थोड़ा अभी भी बाकी है, जो भी ऑब्स्टिकल्स थे जिस वजह से वो आपसे सेपरेट हुए, वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी अभी भी है, बर्डन है कुछ। इस पर्सन की एनर्जी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट भी कर रहा है अभी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये अब वापस कैसे आएंगे आपके लिए। लेकिन मैं एक बात बताऊंगी कि आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव है, आपके साथ उनका जो भी रिलेशन है, उनको ऐसा लगता है कि ये एक माइंड बॉडी सोल का रिलेशन है, ये डिवाइनली एक स्पिरिचुअल लव है, ऐसा भी उनको फील होता है इस रिश्ते में आकर के। मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, आप दोनों ही स्पिरिचुअली ग्रो किए हैं, गॉड से ज़्यादा कनेक्ट हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके साथ ये पर्सन अल्टीमेटली शादी करना चाहते हैं, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ये हो सकता है कोई गुरु के गाइडेंस भी ले रहे हो आपकी तरफ प्रॉपरली बढ़ने के लिए, गुरु के गाइडेंस, या हो सकता है ये पर्सन भी कहीं से टैरो रीडिंग ले रहे हो, पर्सनल रीडिंग, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। बट कहीं से इस रिश्ते के लिए कुछ गाइडेंस जरूर ले रहे हैं,
ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, बट मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है इस रिलेशन में पास्ट में कुछ नेगेटिविटी थी। हो सकता है ये उनके खुद के दिमाग की नेगेटिविटी थी, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी की नज़र लग गई थी आप लोगों के रिलेशन में। कुछ कुछ ब्लैक मैजिक जैसा भी लग रहा है। हो सकता है कि ऐसा, सबके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, बट हो सकता है ऐसा हुआ हो। कुछ नेगेटिविटी आप दोनों में थी, कुछ ब्लॉकेजेस थी, तभी ये ब्लैक मैजिक भी अगर हुआ है तो काम किया है, नहीं तो नहीं करता। अभी का जो सिचुएशन, मैं एक जिस्ट में बता देती हूँ कि ये पर्सन आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं, बहुत प्यार करते भी हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको एज ए स्पाउस मानते हैं। चलिए मैं एक कार्ड से और देख लूँगी कि ये कब तक आ सकते हैं। टाइम के लिए मैं देख लेती हूँ ये पर्सन कब तक आपके पास आ सकते हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। सिंगल कार्ड मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स तक कब तक रीच आउट कर सकते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। डेथ, देखिए इट इज़ ऑल्सो रीबर्थ। ठीक है, तो इस रिलेशन में ये जो दूरियां हैं, आप दोनों में जो दूरियां हैं, अगर आप लोग मैरिड भी है, साथ भी रह रहे हैं, लेकिन इतनी दूरियां आप दोनों में पड़ गई है, प्रॉपरली आप लोग बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो दूरियां हैं, ये जो आप दोनों के रिलेशन में नेगेटिविटी है, इसका अंत होगा और एक नई शुरुआत होगी। मुझे जहाँ तक लग रहा है विद इन 4 वीक्स से लेकर के 4 वीक्स की एक एनर्जी आ रही है मुझे, 4 मंथ्स नहीं, जस्ट 4 वीक्स में आप लोगों के रिलेशन में कुछ ना कुछ एक न्यू ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए। यस, 4 वीक्स में आप लोगों में एक न्यू ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी का क्या होने वाला है, थर्ड पार्टी के लिए इनकी क्या सोच है। 4 वीक्स में ये पर्सन आपको रीच आउट जरूर करेंगे। आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए, कल 11:11 पोर्टल भी है, तो आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए। बिल्कुल भी कोई नेगेटिव थॉट अभी अपने मन में नहीं लाइए, क्योंकि अभी आप लोग जो सोचेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स या दिल दिमाग में क्या चलता है थर्ड पार्टी को लेकर के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या है, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। शफल्स, फिर मैं कार्ड लूंगी। आप लोग पॉजिटिव रहे हैं, ओके। चलिए यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स अनफोल्ड हो गए हैं, मैं एक एक करके कार्ड दें, प्लीज डिवाइन एक एक करके कार्ड दें। टू ऑफ सॉर्ड्स, कंफ्यूशन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, 7 of Pentacles, 2 of Pentacles, King of Swords, Hanged Man, bottom of the deck, Emperor and Knight of Pentacles. अगर आप लोग टैरो रीडिंग देखते हैं, आप लोगों को कुछ समझ आता है, तो आप लोग कार्ड से अभी तक समझ गए होंगे एनर्जी। कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा ये पर्सन। इस पर्सन की एक बहुत बड़ी कमी मैं बताऊंगी, ये लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं, इनके दिमाग में अगर कोई एक बात घुसा दे तो वो उसी तरह से एक्ट करने लगते हैं। वो खुद का दिमाग उस टाइम में बिल्कुल भी यूज़ ही नहीं करते कि कहाँ तक ये चीज़ सच है, कहाँ तक गलत है, बिल्कुल यूज़ नहीं करते। देखिए ये पर्सन आपसे मुंह फेर करके थर्ड पार्टी में गए थे, जहाँ पर थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर है, मैं उसकी बात बोल रही हूँ।
डेफिनेटली कुछ केसेस में मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी में आपके पर्सन के फादर या फादर फिगर कोई हो सकता है जो थर्ड पार्टी है। ओके, मैं यहाँ पे ऐसा भी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई और लेडी हो, जेंट्स हो, वो मौजूद हो सकते हैं। रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए मैं बोल रही हूँ। आपसे मुंह फेर करके ये पर्सन गए थे, अब वहाँ जा कर के भी ये कन्फ्यूज़ है कि मैंने सही चुना कि नहीं। ये पर्सन का मैं एक और चीज़ बोलूँगी, ये थोड़ा मनी ओरिएंटेड है, इनको पैसों से बहुत प्यार है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत प्यार है, सबको होती है, बट इस पर्सन का ना हर कुछ थोड़ा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में तोलते हैं। अब आपका पर्सन है तो आप लोग बेटर बता सकते हैं, बट मुझे जहाँ तक कार्ड से शो हो रहा है, अगर आप लोगों से ये रेजोनेट करता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कार्ड्स में जो बता रहा है कि आपके पर्सन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे बहुत भागते हैं, बहुत प्यार है इनको, और ये हर किसी में अपनी मटेरियलिस्टिक जो कंफर्ट जोन होता है ना, उस चीज़ को देखते हैं। हो सकता है आपके जो भी थर्ड पार्टी है, इससे इनको कुछ फिनेंशियल हेल्प मिला हो, फिनेंशियली कुछ यहाँ पे इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ गए थे। अभी क्या हुआ, आपसे मुंह मोड़ करके ये थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, वहाँ जा करके ये कन्फ्यूज़ हो गए कि मैंने सही किया कि नहीं किया। लोगों ने जैसा जो भी बोला, वो आँख बंद करके उन पर विश्वास करके वो रिएक्शन उन्होंने ले लिया। अब वहाँ जा करके दिल को कैसे मनाएं, दिमाग को कैसे मनाएं, उनका दिमाग भी चलता है, दिल भी चलता है, तो क्या किया उन्होंने, दोनों हाथ में जस्ट सी द कार्ड, दोनों हाथ में शॉर्ट्स ले करके इन्होंने आँखें बंद करके जस्ट क्रॉस करके वो बैठ गए। यहाँ पे देखिए मून भी उल्टा है, इमोशंस इनका ओवरफ्लो हो रहा है। क्यों ये ऐसा कर रहे हैं इनको नहीं पता, इनके पास एबिलिटी है सारी चीज़ों को समझने का, बट लोगों की बातों में आ जाते हैं ये पर्सन। अभी क्या हुआ कि थर्ड पार्टी से भी मुंह फेर रहे हैं, अभी ये थर्ड पार्टी से मुंह फेर कर दूसरी तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। प्लीज़ इग्नोर द साउंड, बच्चे खेल रहे हैं। तो अभी थर्ड पार्टी से मुंह फेर कर बैठे हैं, उनको अभी क्या फील हो रहा है कि लाइफ में उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए, यहाँ पर थर्ड पार्टी की जो एनर्जी आ रही है, ये उनकी फैमिली हो सकती है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है वो भी हो सकते हैं। तो उस जगह पे जा कर के इन्होंने क्या किया, सोच रहे हैं कि इन्होंने कितना कुछ किया इन लोगों के लिए, बट उनको प्रॉपर वो रिस्पेक्ट, प्रॉपर प्यार, या जो वो चाहते थे प्रॉपर सुकून, इन सब से वो नहीं पा रहे हैं। तो क्या हुआ कि थर्ड पार्टी होते हुए भी, इतने लोगों के बीच में होते हुए भी, ये पर्सन खुद को आइसोलेटेड कर रहे हैं, क्योंकि उनको किसी के साथ भी अच्छा नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है कि सब उनको यूज़ करते हैं। यस, सब उनको यूज़ करते हैं। ये पर्सन मुझे स्पिरिचुअल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअली भी ये ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि सब कोई उनका बस यूज़ करते हैं और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, ऐसा है। उनकी एनर्जी बहुत लो दिखाई दे रही है, इट्स अ वेरी नेगेटिव थिंकिंग, ए वेरी लो वाइब्रेशनल एनर्जी है उनकी। पैसों के लिए उनको ऐसा लग रहा है कि पैसे अर्न करना है फैमिली के लिए, जिसके लिए भी हो, पैसों से इनको प्यार भी है, वो अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, सब कुछ प्रेजेंट हो, मटेरियलिस्टिक सारी चीज़ें, सारी सुविधाएँ इनकी लाइफ में मौजूद हो, ऐसा वो चाहते हैं। तो उस जगह से एक तो आइसोलेट कर रहे हैं, सबसे इमोशनली कटआउट कर रहे हैं, और ये अपनी फिनेंशियल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे एक भी कप का कार्ड नहीं आया है, कोई भी कप का कार्ड यहाँ पे नहीं आया है। यहाँ पे जितना भी कार्ड्स आया है, सिर्फ और सिर्फ देखिए मैक्सिमम आया है मटेरियल चीज़ों का, अर्थ मटेरियल का, पेंटिकल्स का कार्ड। जो भी इन दोनों का रिलेशन है ना, थर्ड पार्टी चाहे जो भी हो, उनके स्पाउस हो, उनके गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, अपने पेरेंट्स हो, इनके साथ इनका पैसे का इमोशनल अटैचमेंट से ज़्यादा फिनेंशियल अटैचमेंट, फिनेंशियल नीड का पूरा होना, इस टाइप की एक बॉन्डिंग इन लोगों में है। तो अर्न कर रहे हैं, हो सकता है इस पर्सन को अभी कुछ फिनेंशियल ग्रोथ भी हुआ हो।
अभी क्या हो रहा है, अभी फिर से वो जगलिंग स्टेट में है, इनका जगलिंग स्टेट बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता है। और ये जो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं ना अपनी लाइफ में कि जो वो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, जो वो किए हैं वो गलत किए हैं, सब कुछ में उनको खुद की गलती भी नज़र आ रही है, तो उनकी जो लैंग्वेज है मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी लैंग्वेज बहुत रूड हो रहा है, सबके साथ बिहेवियर बहुत रूड हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि चाहे वो कितना भी कुछ कर ले, उनके आसपास का जो माहौल है वो कभी उनके फेवर में नहीं हो सकता, फेवरेबल माहौल में वो पर्सन नहीं हो सकते, ये उनकी खुद की सोच है। ये पर्सन अपनी, देखिए ये पर्सन इंटेलिजेंट बहुत है, ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन थोड़ा कान के कच्चे भी है। तो उनको ये जो एक पूरा एडवांस एक सिचुएशन है ना, उनके फेवरेबल सिचुएशन उनको नहीं मिल रहा है, तो इसमें ना उनकी लैंग्वेज अलग हो रही है, उनकी बिहेवियर रूड हो रही है सबके साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और लास्ट में क्या हो रहा है, हैंग्ड मैन सिचुएशन भी हो रहा है। ये पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि इस जगह से कैसे निकले। इनकी लाइफ में मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, इनके फादर का या फादर फिगर कोई पर्सन हो सकता है जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, ये उनकी बात इनको माननी ही होती हो, या फिर उनके हिसाब से चलना होता हो, या फिर फिनेंशियली ये डिपेंडेंट है अपने, ये जो मैं फादर फिगर बोल रही हूँ इनके ऊपर, तो उनके हिसाब से चलना पड़ता है। अब ये जो सारा सिचुएशन हो रहा है कि आपकी तरफ बढ़ने के लिए हो सकता है किसी तरह का प्रेशर हो कि वो आपकी तरफ ना बढ़े, तो इसीलिए आपकी तरफ जो वो वहाँ पे भी आया था कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं सब कुछ, तो इसलिए वो अपना कदम भी रोक रहे हैं क्योंकि सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। और ये जो उनका सिचुएशन फेवरेबल नहीं है और ये सब कुछ हो रहा है, इसके लिए उनकी बिहेवियर सबके साथ बहुत ख़राब हो रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो अभी के सिचुएशन में तो मुझे इस कार्ड से किसी तरह का थर्ड पार्टी को छोड़ते हुए, थर्ड पार्टी से निकलते हुए एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। मैक्सिमम लोगों के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पे उनकी फैमिली ही है, या तो स्पाउस है या फिर पेरेंट्स, जहाँ पे मुझे फादर का एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बट ये इमोशनली आपके साथ बहुत अटैच हैं और आपसे बहुत प्यार भी करते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। तो हम लोग अब देख लेंगे इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस दे रहे हैं डिवाइन आपके लिए। मैं इसी टेक्स से निकालूंगी कि आपके लिए डिवाइन का क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। मैं दो कार्ड निकालूंगी आपके लिए गाइडेंस का। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में। चलिए दो कार्ड, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स। देखिए आपके लिए जो गाइडेंस है, आप अपने हार्ट चक्र का हीलिंग कीजिए, आप अपने हार्ट चक्र का हीलिंग कीजिए। आपके जो प्यार है, इस प्यार में जो भी ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को हील करने की बहुत ज़रूरत है। फिर देखिएगा ये पर्सन आपके लिए एक्शन भी लेंगे, आपकी तरफ आएंगे भी। आप अपनी हार्ट चक्र को हील कीजिए। देखिए अगर आपको हीलिंग नहीं आती है तो नो प्रॉब्लम, आप लोग किसी पिंक क्रिस्टल को वेयर कर सकते हैं, या टंबल क्रिस्टल हो पिंक, वो आप लोग रख सकते हैं। अपने जो भी सुप्रीम पावर है, जो भी आप जिस सुप्रीम पावर को मानते हैं, भगवान इष्ट जिसको भी मानते हैं, उसके उसको सॉल्ट वाटर से धो करके, उसके पास थोड़ा भगवान का नाम लेकर के उसको खुद से एनर्जी दीजिए। भगवान का नाम लीजिए, सिमरन करना जैसे बोलते हैं वैसा कीजिए। आपको क्या करना है, टंबल क्रिस्टल को पहले धो लेना है सॉल्ट वाटर से, देन अच्छे वाटर से धो लीजिए। फिर अपने हाथों को ऐसे रब कीजिए, थोड़ा गर्माहट आने दीजिए अपने पाम में, और फिर उस क्रिस्टल को रख करके अपने इष्ट का या फिर अपने जो भी सुप्रीम पावर को आप मानते हैं, जिस भी रिलीजन से आप हैं, जिसको मानते हैं, उनका नाम लीजिए।
फिर उस क्रिस्टल को अगर ब्रेसलेट है तो आप वेयर कर सकते हैं, अगर टर्मल स्टोन है तो फिर अपने साथ रख सकते हैं या सोने के टाइम में अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं। एंड दूसरा चीज़ है कि हार्ट चक्र की हीलिंग भी आप लोग कर सकते हैं। वो क्या है कि आप लोग हाथों को रब करके अपने हार्ट चक्र के ऊपर, अपने हार्ट के ऊपर कुछ देर, 3 to 5 मिनट्स आप लोग हीलिंग दें डेली। तो हाँ, डेफिनेटली कि किसी प्रोफेशनल हीलर से लेंगे तो वो तो ज़्यादा अच्छा होगा ही, बट अगर सब कोई तो अवेल नहीं कर सकते हैं ना, हीलिंग का जो भी प्राइस होता है, तो आप लोग खुद से ये करें, कोशिश करें, पॉजिटिव रहें, भगवान पे सरेंडर रहें, प्रे करें, आप लोगों को ज़रूर रियूनियन हो जाएगा। मैं भी गॉड से प्रे करूँगी, आप लोग भी एक दूसरे के लिए प्रे कीजिए। तो होप आपको रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिला होगा। रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से किसी न्यू रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।